छत्तीसगढ़ में कह सकते हैं 2021 में पीएससी का फाइट परीक्षा लिखे थे, इसमें 5वां नंबर में हासिल किए हैं और वहीं पहुंचा हूं अंबिकापुर में, सतीपारा जो कि कलेक्ट्रेट के बगल में है। बहुत खुशी की बात है दोस्तों, हमारे सरगुजा संभाग में बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारा प्रशासनिक सेवा बहुत मेहनत करते हैं और वास्तव में गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। और हमारे बीच बैठे हुए सीधे हम रुख करते हैं कि उनका क्या रणनीति था, कितना दिन का मेहनत था और किस तरीके से अपना रणनीति बना करके मेहनत किए और क्या सपना था। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि वेलकम, स्वागत है आपका, परिचय बता दीजिए सर। सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूवर्स को प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम राणा विजय सिंह है जी। मैंने राज्य सेवा परीक्षा 2021 में 5वां स्थान प्राप्त किया है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। बहुत बहुत बधाई हमारे 1224 और मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच सर। शुरुआत में यानी कि आपका शिक्षा दीक्षा बताइए सर, शुरुआती से मतलब कहाँ कहाँ पढ़ाई की आप? देखिए, मेरी पूरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के 12th क्लास तक अंबिकापुर के होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। इंग्लिश मीडियम जी? इंग्लिश मीडियम से जी। उसके बाद मैंने बीई सिविल इंजीनियरिंग से किया है जी, आरजीपीवी भोपाल से जी जी। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग के अपने लास्ट ईयर में था तभी से मैंने निर्णय ले लिया था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है जी। और मैं तभी से उसमें लग गया था जी जी। तो संघर्ष तो काफ़ी लंबा रहा है 2019 से लेकर के 2023 तक का। इसमें मैंने कई एग्जाम्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई पहले भी किए हैं, लेकिन ये सबसे ऊँचा पद है जो आज मैं जिस पर चयनित हुआ। कब से आपका विचार आया कि प्रशासनिक सेवा में ही जाना है? ऐसा क्या मतलब ऐसे क्या चीज़ को देख कर या माइंड में लगा कि करना चाहिए? देखिए, मैं जैसे एक संयुक्त परिवार से आता हूँ जी, मेरे परिवार में ही सरकारी कर्मचारी जी कई रहे हैं जी, तो प्रेरणा स्रोत तो कई रहे हैं मेरे जी, जीवन में जी, जी, तो उन्हीं को देखते हुए बचपन से ही था कि सिविल सर्विसेज में आना है जी, तो उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने ये तय कर लिया था। और क्योंकि किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन एक बेस मांगता है, क्योंकि मैं मैथ्स का स्टूडेंट था, मैंने इंजीनियरिंग की अच्छा एकेडमिक उसमें भी रहा मेरा, और फिर फाइनल ईयर जब इंजीनियरिंग का था तो तब से मैंने इसकी फुल ऑन प्रिपरेशन शुरू कर दी थी जी। कहते हैं दोस्तों कि प्रशासनिक सेवा में जाने का बहुत लोग का इच्छा रहता है, लेकिन जो सही प्रॉपर रणनीति बना करके तैयारी करते हैं लगातार, एक मान्यता भी है कि 8 से 10 घंटा प्रॉपर आप अध्ययन करते हैं, कम से कम 2 से 3 साल लगातार या 5 साल भी जा सकता है। हम सीधे जानकारी लेंगे कि कितना घंटा पढ़ाई करते थे या क्या रूटीन रहता था सर आप प्रतिदिन दिनचर्या? सर देखिए, मैं अपने आप को टाइम के लिमिट में नहीं बांधता था जी। मैं अपने आप को जो सिलेबस के टॉपिक्स रहते थे मैं उन्हें निर्धारित कर देता था कि मेरे डेली टारगेट्स क्या रहेंगे जी जी, या फिर मेरे वीकली टारगेट्स क्या रहेंगे या मंथली टारगेट्स क्या रहेंगे जी जी। तो अपने डेली टारगेट्स के हिसाब से अगर वो टॉपिक मेरा हो सकता था 5 घंटे में भी खत्म हो जाता था, कोई थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स रहते थे तो वो ज़्यादा समय भी लगाते थे, हो सकता था 10 से 12 घंटे भी लग जाते थे कई बार। कुछ ईजी रहते थे जिनको सिर्फ आपको रिवाइज करना है तो आप 3 घंटे में ख़त्म करके बाकी का बचा हुआ समय आप टेस्ट सीरीज में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते थे। तो समय सीमा में अपने आप को मैंने कभी नहीं बांधा, जितना रिक्वायरमेंट रहा टारगेट्स के हिसाब से तो मैंने उतनी पढ़ाई की। कहते हैं कि हर कोई इच्छा क्वालिफाइड करना चाहता है, लेकिन जो कभी असफल हो जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार या उनके दिल में मतलब कि क्या गुजरता होगा, तो हम सीधा जानेंगे कि जो फेल हो गए हैं या कोई पास होना चाहते हैं प्रशासनिक सेवा में यानी कि पीएससी चाहे यूपीएससी चाहे दुनिया का बड़ा एग्जाम फाइट करना चाहता है, तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि कभी भी खुद पर भरोसा करना जी बंद ना करें जी, खुद पर भरोसा करें और कभी गिवअप ना करें जी। फेलियर में कहाँ कमी रह गई उस पर ध्यान दें और फिर उस कमी को सुधारते हुए दोगुनी मेहनत से अगली बार परीक्षा दें जी जी। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है हौसलों में उड़ान होती है। तो वास्तव में हमारे सरगुजा संभाग के ऐसा लड़का ऐसे पुत्र जो कि गर्वान्वित किया है हमारे सरगुजा संभाग व अंबिकापुर क्षेत्र के, वाकई में एक बच्चा अगर क्वालिफाइड करता है तो उसके साथ में सरगुजा संभाग बहुत सारा आइडियल बन जाते हैं, बहुत परिवार वाले भी लगातार प्रशासनिक सेवा में उसका एक फ्लो करते हैं, आइडियल बनते हैं। तो ये बताइए सर, आपका जो शौक क्या क्या था, शौक बता दीजिए हमारे व्यूअर को, शौक क्या क्या है आपका? देखिए, प्रशासनिक सेवा में आप जी नहीं, अपना पर्सनल मतलब कि क्या करना ज्यादा हॉबी आपका क्या? देखिए, मेरी अगर अभिरुचि हॉबी की आप बात करते हैं जी जी, तो मुझे सांस्कृतिक पर्यटन या फिर इको टूरिज्म मुझे काफी पसंद है जी जी। साथ ही मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफी
एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, खेल खेलता हूँ जी जी, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसा समय आता है कि आप काफ़ी डल महसूस करने लगते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो साथ ही साथ आपको खेलना कूदना या फिर कुछ भी ऐसे एक्टिविटी जो भी आपको अच्छे लगे वो करते रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक अंदर से आपके अंदर एनर्जी बना रहे। तो मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी काफ़ी समय बिताता हूँ, साथ ही टूरिज्म, खासकर इको टूरिज्म और कल्चरल टूरिज्म काफ़ी पसंद है मुझे जी जी। और रीडिंग करना, मतलब रीडिंग एकेडमिक्स के साथ साथ आप फिक्शनल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ जी जी, तो काफ़ी पसंद है। और कोचिंग कहाँ कहाँ लिए, सब कोचिंग कहीं से लिए हैं या नहीं लिए हैं? जी कोचिंग मैंने लिया है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैंने कोचिंग ली रायपुर के कुछ इंस्टीट्यूट से, और उनका अच्छा मार्गदर्शन मिला और जिसकी बदौलत मैं ये एग्जाम क्लियर कर पाया हूँ। कितना दफा पीएससी में आप अटेम्प्ट किए हैं सर? आप कितना? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। चलिए, और यूपीएससी लिखे थे क्या? नहीं, यूपीएससी का एग्जाम मैं आगे देना चाहूँगा। जी जी, यूपीएससी का आगे प्रॉपर रहेगा जारी जी, जी। तो कह सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इनका, ये बताइए सर कि आपका जैसे एक हर इंसान को वीकनेस रहता है, तो आपको वीकनेस क्या है? सर ऐसा अगर मेरा वीकनेस ये है कि मैं ओवरथिंक कुछ ज़्यादा करता हूँ, लेकिन उस वीकनेस को मैं अपनी मजबूती भी मानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स रहते हैं या फिर कुछ ऐसी समस्याएं रहते हैं जिसमें आप ओवरथिंक करके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो वो मैं अपनी कमी भी मानता हूँ और उसको मैं कहीं ना कहीं मेहनत करके अपना मजबूत पक्ष भी बना लूँगा। 5 से 6 लाख लोग आसपास इंजाम देते हैं, इनमें से 5वां नंबर लाना अपने आप में अद्वितीय है, कह सकते हैं अद्वितीय। और आपको लग रहा था शुरू से कि टॉप करेंगे? सर शुरू से तो नहीं लग रहा था, मैंने बेजोड़ मेहनत की थी, किंतु जब मेंस का एग्जाम आपका अच्छा जाता है और इंटरव्यू कॉल आता है तो सभी बच्चों में उत्साह बढ़ जाता है। मेरे साथ जितने भी 508 लोगों ने इंटरव्यू दिया था सब में उत्साह थी, लेकिन फिर कुछ लंबा संघर्ष रहा, कई ऐसे मुद्दे हुए जिसके कारण रिजल्ट रुक गया था, तो थोड़ी हताशा भी रही, लेकिन उत्साह तो सब में था सर, मुझ में भी था। 5वां रैंक आएगा इसकी कल्पना मैंने नहीं की थी, लेकिन एग्जाम अच्छा गया है तो मुझे खुद पर भरोसा जरूर था। जब आपको रिजल्ट का पता चला अचानक जी, है ना जी, तो कैसे महसूस लग रहा था? सपना देख रहे हैं दिन में या रात में, कैसे लग रहा था? देखिए 11th ऑफ मे को पीएससी ने कई रिजल्ट्स जारी किए थे, तो ऐसा था कि 21 का भी पीएससी का रिजल्ट आएगा, उसके पहले प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसमें क्वालिफाई हुए, फिर आज अब इंतजार करते कि शायद अपना आए, फिर 9 बजे आने का था, फिर अपन ये उम्मीद छोड़ देते आज नहीं आएगा कल आएगा, तो जब अचानक से रिजल्ट आया तो काफ़ी एक प्रेशर तो फील हर एस्पिरेंट करता है, मुझे भी हुआ। बट जैसे ही मैं अपना रिजल्ट खोल रहा था तब तक कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स ने मेरा रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया था, उनका कॉल आने लगा, फिर मुझे पहले जानकारी मेरे अंकल से ही प्राप्त हुई जिन्होंने पहले मेरा रिजल्ट देख लिया मुझसे पहले, और फिर कुछ फ्रेंड्स ने देख लिया तो उन्होंने मेरा रैंक बताया, फिर मैं खुद से अपना रिजल्ट देखा उसमें कितने मार्क्स मिले हैं, देख करके काफ़ी अच्छा लगा और मैं सेटिस्फाइड हूँ। इस जबरदस्त सफलता के किसको किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए मैं अपने परिवार वाले, जो जिनका भरोसा ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहा है जी, मैं अपने परिवार वालों को ये श्रेय देना चाहूँगा, खासकर मेरे चाचा श्री मनोज कुमार सिंह जी, जो मेरे इस पूरे जर्नी में मेरे गाइड रहे हैं जी, जी। राइट फ्रॉम सिलेबस डिस्कशन टू लेकर के इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है जी। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस मुझे हर स्टेप पे शेयर किया है जी, जी। जिसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। साथ ही मेरी बड़ी बहन है डॉक्टर विजय सिंह, वो और मैं साथ में बैठ करके अपनी स्टडी प्लान करते थे जी। तो कैसे बैठना है, लंबी सीटिंग कैसे करनी है पढ़ाई में, कभी भी आप डीमोटिवेट हो रहे हो तो खुद को कैसे पुश करो, उनका इन सभी मामलों में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। ये जर्नी था, लंबा जर्नी था, कितना दिन का तैयारी था सर लगभग? सर ऐसा देखा जाए तो मैंने 2019 में तैयारी शुरू कर दी थी जी, जी। फिर उसके बाद कोविड आया तो कुछ ब्रेक्स आए, फिर बीच में मैंने और भी एग्जाम्स की तैयारी की, क्वालिफाई किया जैसे फॉरेस्ट सर्विसेज, उसका थोड़ा सा सिलेबस अलग था, उसमें साइंस आपको पढ़ना पड़ा, एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा जी। तो थोड़ा सा डाइवर्टेड था, लेकिन सिविल सर्विसेज के जो सिलेबस है उससे मैं भटका नहीं। अच्छा। तो देखा जाए तो सर ये 3-4 सालों की तैयारी थी मेरी। फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? अभी तो आप प्रशासनिक सेवा में आ गए हैं जी सर, है ना, तो उसको बखूबी बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, आने वाला फ्यूचर में क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा लक्ष्य तो ये है कि अभी मैं यूपीएससी का अटेम्प्ट दूं और उससे क्वालिफाई करके आईएएस या आईपीएस निकालूं, और अगर मैं सेवा में कंटिन्यू करता हूं तो फिर मेरा
मुख्य मकसद यही रहेगा कि शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक पार्ट हूँ, तो जितनी भी स्कीम्स हैं, सेवाएं हैं, वो हर नागरिक तक समय से पहुंचे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं सुनिश्चित कराना चाहूँगा। अभी मेरे को पता चला कि एक इंटरव्यू और भी देना है आपको। जी, तो क्या चीज़ का इंटरव्यू देने है? सर, जैसे 2020 में कंबाइंड फॉरेस्ट सर्विसेज का एक एग्जाम हुआ था, जी जी, तो उसका मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया है। जी जी जी। तो उसका इंटरव्यू कॉल आया है और 18th ऑफ मई को मेरा इंटरव्यू है। जी जी जी। तो हमारा बधाई है कि उसमें भी टॉप कीजिए और एक बार फिर से पेपर और अखबार में आएगा तो एकदम और भी प्रफुल्लित हमारे सरगुजा संभाग का गौरव रोशन से सबको खुशी करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। राणा सिंह जी से हम मिल रहे थे अंबिकापुर से, जवाब जो कि ऐसे मेहनत किए कि दूसरा अटेम्प्ट में टॉप करके हमारे सरगुजा संभाग जो कि छत्तीसगढ़ में टॉप 5 पर अपना जगह बनाने में कामयाब रहे और निश्चित तौर से आने वाले समय में आइडियल मान करके बहुत ही अच्छा मेहनत करके, ईमानदारी से मेहनत करके और भी बहुत सारे बच्चे लोग टॉप करेंगे, ऐसे हमारे शुभकामना है भारत 24 और मेरे तरफ से पूरा फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर।